चल भाई, जो आज का मेरा टॉपिक है ओ लेवल, और ये टॉपिक ना एएस में भी है। ओ लेवल में पहली मरतबा ऐड हुआ है, और इस टॉपिक का नाम है सर्चिंग एल्गोरिदम। और सर्चिंग एल्गोरिदम है आपके पास लीनियर सर्च। ठीक है भाई, तो आज का ओ लेवल P2 का टॉपिक है, या एएस में भी ये टॉपिक है, इसका नाम है लीनियर सर्च। हाँ, आप सर्च करवाओगे और वो सर्चिंग जब वन बाय वन होगी तो हम इसको बोलते हैं लीनियर सर्च। ठीक है, लीनियर सर्च का मतलब क्या है, पहले मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिखवाऊं। भाई सबसे पहले आप एक वैल्यू यूजर से इनपुट लोगे, है ना भाई, आप इनपुट लोगे। कॉन्सेप्ट लिखवा रहा हूँ मैं आपसे, कोई वैल्यू इनपुट लूंगा और उस वैल्यू, सही, उस वैल्यू को मैं वन बाय वन किसी एरे के अंदर, अच्छा सारा का सारा डेटा एक एरे में होगा। फॉर एग्जाम्पल इस एरे का नाम है लिस्ट। ठीक है बच्चों, लिस्ट के अंदर यहाँ पर वन है इंडेक्स, ये दूसरा इंडेक्स, ये तीसरा इंडेक्स, ये चौथा इंडेक्स, ये पांचवा इंडेक्स और ये छठा इंडेक्स, फॉर एग्जाम्पल। तो भाई लिस्ट नाम की एक एरे है, 1D एरे, उसके वन इंडेक्स पे कोई डेटा होगा, 2 पे होगा, 3 पे होगा, 4 पे होगा, 5 पे होगा और 6 पे होगा। ये 100 भी हो सकते हैं, ये 10 भी हो सकते हैं, ये 50 भी हो सकते हैं। मैंने अपने एग्जाम्पल में 6 इंडेक्सेस बना लिए। अच्छा, पहले इंडेक्स पे बेटा याद रखना, सर्च वाले जो भी एल्गोरिदम होगा ना उसमें डेटा ऑलरेडी स्टोर होगा, तभी तो सर्च कराओगे। इनपुट लूंगा या नहीं लूंगा? नहीं लूंगा। यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 जो समझाने के लिए कह रहा हूँ, सही है, एरे के अंदर डेटा ऑलरेडी स्टोर होगा, डेटा ऑलरेडी स्टोर्ड इन 1D एरे ना, डेटा ऑलरेडी स्टोर्ड, डेटा ऑलरेडी स्टोर्ड इन 1D एरे, या 2D एरे भी हो सकता है आपके सिलेबस में, 1D एरे। डेटा बेटा एरे के अंदर ऑलरेडी स्टोर होगा, ठीक है, मैंने अपने पास इस एरे का नाम रखा हुआ लिस्ट, आप कुछ भी रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसके 0 में पड़ा हुआ है 10, डेटा एलिमेंट 10 पड़ा हुआ है इंडेक्स 1 पे, फिर एलिमेंट 20 पड़ा हुआ है इंडेक्स 2 पे, एलिमेंट 30 पड़ा हुआ है इंडेक्स 3 पे, एलिमेंट 40 पड़ा हुआ है इंडेक्स 4 पे, फिर 50 पड़ा हुआ है इंडेक्स 5 पे और 60 पड़ा हुआ है दिस पे। लड़कों एक बात बताओ मुझे, ये सारे के सारे जो मैंने येलो से करे हैं इनको आप क्या बोलते हो, तो इंडेक्स या एलिमेंट? एक्चुअल में है क्या, एरे के इंडेक्स है। एरे के क्या है बेटा? इंडेक्स, ये बात पता है ना आपको। अच्छा मैंने कहा हम इसके अंदर लीनियर सर्च के अंदर हम क्या करेंगे, डेटा को सॉर्ट करेंगे या सर्च करेंगे। सर्च का मतलब क्या होता है उर्दू में? ढूंढना, फाइंड वैल्यू। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लीनियर सर्च का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, पॉइंट नंबर 3, फाइंड द इनपुट वैल्यू। हाँ, इनपुट वैल्यू का मतलब जो वैल्यू यूजर इनपुट देगा, फाइंड द इनपुट वैल्यू वन बाय वन इनटू एन एरे, है ना भाई, वन बाय वन इनटू एन एरे, इनटू एन एरे, और एरे के सारे इंडेक्स पे। अरे इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पहला इंडेक्स क्या है बेटा? 1, दूसरा क्या है बेटा? 2, तीसरा क्या है बेटा? 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। इन दिस एग्जाम्पल 6 इंडेक्स है, तो क्या हमेशा 6 ही होंगे? नहीं, 100 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। लेकिन लीनियर सर्च के अंदर आप उसको हर इंडेक्स पे जाके क्या करोगे, सर्च करोगे हर इंडेक्स पे जाके, ऐसी है ना भाई, कोई मसला तो नहीं है? अब जरा सुनना, आपने कहा कि सर ये तो बहुत खुआरी वाला मेथड है ना भाई, अगर 1000 इंडेक्स है तो क्या मैं 1000 इंडेक्स पे जाके सर्च कराऊंगा? यस, आप 1000 पे सर्च कराओगे तभी इसका नाम लीनियर है। लीनियर वर्ड का मतलब ये होता है आप वन बाय वन सारे इंडेक्स पे जाके डेटा को क्या कराओगे, सर्च कराओगे, डेटा को क्या कराओगे, सर्च कराओगे। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ब्रेक ले लो, सही, आप यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है बेटा, एक बात बताओ, लीनियर सर्च का आपके पास एक कंज्यूमिंग, क्यों टाइम कंज्यूमिंग है? क्योंकि ये सारे इंडेक्सेस पे सर्च करेगा, तो सारे इंडेक्सेस पे सर्च करना अच्छी बात थोड़ी है, बुरी बात है। एक और सर्चिंग होती है आपके पास जो ओलेविस में नहीं है, उस सर्चिंग का नाम होता है बाइनरी सर्च। कौन सा सर्च बच्चों? बाइनरी सर्च। वो बाइनरी सर्च क्या होता है, क्लास के लास्ट में बताऊंगा। बाइनरी सर्च के अंदर मिडिल टर्म निकाल लेते हैं हम, समझा देता हूँ। चलो
बाइनरी सर्च के अंदर अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 100 एलिमेंट्स है ना, तो आप उस 100 एलिमेंट को 50-50 के पोर्शन में डिवाइड करोगे और एक तरफ 50 पोर्शन आएगा और एक तरफ भी 50 आएगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 101 है। और जो सेंटर वाली होगी ना, वो सेंटर वाली कहलाती है मिड पॉइंट। क्या कहलाती है बेटा? मिड पॉइंट, यानी कि मिडिल टर्म बोलोगे आप उसको। एरे आपके पास पूरी की पूरी सॉर्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हें मैंने कहा कि पूरी एरे सॉर्ट है, तो बच्चों ये 51 सेंटर में होगा, हाँ, 1 से लेके 50 तक के सारे एलिमेंट यहां पर होंगे और 52 से लेके 101 तक के सारे एलिमेंट यहां पर होंगे, ऐसे होगा ना। अब जब कोई तुम्हें बोलेगा कि सर्च करवाना है 51 से छोटी वैल्यू, अगर तुम्हें सर्च कराना है मिडिल टर्म से छोटी वैल्यू, तो ऑब्वियसली बात है वो लेफ्ट पोर्शन में जाएगा ना, हाँ, राइट पोर्शन में तो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा राइट पोर्शन में? क्योंकि वैल्यू 51 से छोटी है, वैल्यू 51 से छोटी है, ठीक है, वैल्यू 51 से छोटी है ना। मैंने कहा 51 से छोटी वैल्यू बताओगे तो लेफ्ट पोर्शन में जाएगा, है ना, और अगर 51 से बड़ी वैल्यू होगी तो कहाँ जाएगा? राइट पोर्शन में। तो ये जो एक आपके पास एरे होगी जिसको तुम बीच में से डिवाइड करोगे, बीच में से डिवाइड करके कितने पार्टीशन बने? दो। दो पार्टीशन बनने वाली सर्चिंग को क्या बोलते हैं? बाइनरी सर्च। क्या बोलते हैं? बाइनरी सर्च। और बाइनरी सर्च को अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा, अभी मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? लीनियर सर्च। बच्चों पहले जरा बताना, बाइनरी सर्च में अगर वैल्यू लेफ्ट पोर्शन पे आ गई तो कितनी नंबर ऑफ आइट्रेशन से तुम बच गए, ख्वारी करने से बच गए? 50 आइट्रेशन की ख्वारी करने से बच गए। तो बाइनरी सर्च में ज्यादा अच्छी बात हुई ना, ज्यादा मतलब एफिशिएंसी ज्यादा हुई, नंबर ऑफ सर्चेस कम हो गए। बट इन लीनियर सर्च, अगर यही बाइनरी सर्च लीनियर सर्च होता तो पहले 1 पे ढूंढता, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, और आखिरी किस पे बेटा? 101 पे। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि लीनियर सर्च जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इस लीनियर सर्च के डिसएडवांटेज क्या है, तो क्या बोलोगे? लीनियर सर्च इज टाइम कंज्यूमिंग। अच्छा, लीनियर सर्च इज टाइम कंज्यूमिंग। क्यों टाइम कंज्यूमिंग है लीनियर सर्च? सर हर इंडेक्स चेक होती हर इंडेक्स पे जाके चेक करेगा। तो मैं यहां लिख देता हूं कि भाई लीनियर सर्च का एक डिसएडवांटेज है या ड्रॉबैक है। बच्चों क्या ड्रॉबैक है? कि लीनियर सर्च इज टाइम कंज्यूमिंग। लीनियर सर्च इज टाइम कंज्यूमिंग। और टाइम कंज्यूमिंग को क्या बोलूंगा आसान अल्फाज में? सर्च द वैल्यू और ऑन ऑल द इंडेक्सेस ऑफ द एरे, है ना। चलो मैं लिख देता हूं, इट सर्च द वैल्यू ऑन ऑल इंडेक्सेस वन बाय वन। सही है, वन बाय वन इज अ सही वर्ड है ना। सही है भाई, सही लड़कों। अब मैं आपको एक एक्टिविटी करके दिखाता हूँ लीनियर सर्च कैसे सर्च करेगा। बच्चों फॉर एग्जांपल मुझे आप लोगों ने बोला कि सर आपको मैं वैल्यू इनपुट देता हूं, और जो मुझे आप वैल्यू इनपुट दे रहे हो ना, वो वैल्यू है आपके पास 30। क्या वैल्यू है बेटा? 30। मैं इस 30 को इस पहले इंडेक्स में देखूंगा, मिलेगा ट्रू या फॉल्स? जल्दी बताओ, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। मैं 30 इंडेक्स को सेकंड इंडेक्स में देखूंगा, मैच कर रहा है या नहीं कर रहा? फॉल्स। बच्चों 30 इंडेक्स को थर्ड इंडेक्स में देखूंगा, मैच कर गया? ट्रू। यानी कि ये आप लोग मुझे रिटर्न कराएंगे क्या? ट्रू। क्या रिटर्न करवा रहे हैं? ट्रू। अब सुनना बच्चों, जब 30 में आपको मिल गया, यानी कि थर्ड इंडेक्स पे मिला ना, तो क्या अब ये फोर्थ इंडेक्स पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। क्या ये आगे जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। क्या ये उसके आगे लास्ट इंडेक्स पे जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। जब तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे इंडेक्स की वैल्यू से मिल गई, यानी कि मैच कर गई, यानी कि बराबर हो गई, तो तुम अपने लूप को स्टॉप कर देना, तो तुम अपने लूप को स्टॉप कर देना। इसके लिए तुम्हें एक फ्लैग नाम का वेरिएबल रखना होगा, और उस फ्लैग में ट्रू या फॉल्स रखना होगा। उस फ्लैग में क्या रखना होगा? ट्रू या फॉल्स। तो यहां पर मैं लिख दूं आपको पॉइंट नंबर 4। बच्चों हम अब एक इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं फ्लैग नाम का वेरिएबल। फ्लैग का क्या काम होगा जल्दी बताओ? वो जैसे ही वो फाइंड इफ, हाँ, करेंगे इफ वैल्यू वैल्यू, वेरी गुड, अगर वैल्यू एरे के अंदर कंपेयर हो जाए, सही है ना, सही है, फ्लैग की वैल्यू एरे के अंदर कंपेयर हो जाए, तो फ्लैग के अंदर क्या कर दोगे आप? ट्रू या फॉल्स? ट्रू। फ्लैग क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। और असल जब फ्लैग तुम्हारा ट्रू हो जाए, असल जब फ्लैग तुम्हारा ट्रू हो जाए, तो क्या करना है फिर?
स्टॉप हो जाएगी। अगर फ्लैग तुम्हारा ट्रू हो जाए अरीब, अगर फ्लैग तुम्हारा ट्रू हो जाए तो क्या करना है, फिर सर्च स्टॉप कर देना है। क्या कर देना है, सर्च स्टॉप। सर्च स्टॉप का मतलब लूप स्टॉप ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको फिर खत्म कर देना है। और अगर खत्म नहीं कर रहा कोई तो क्या होगा, नहीं तो वो एफिशिएंट होगा इनएफिशिएंट होगा, इनएफिशिएंट। इसको जरा समझा दो। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, बच्चों जरा बोर्ड पे देखें, बेटा आपने वैल्यू बोली 30, मैंने 30 को सर्च करा 1 पे, मैंने कहा भाई फ्लैग होगा फॉल्स, बोलो फ्लैग क्या होगा फॉल्स। 30 को सर्च करा सेकंड इंडेक्स पे, फ्लैग क्या होगा फॉल्स। 30 को सर्च करा थर्ड इंडेक्स पे, फ्लैग क्या होगा ट्रू। अबे ट्रू हो गया ना, 30 = 30, फ्लैग क्या हो गया ट्रू हो गया। यानी कि एफिशिएंट प्रोग्राम वो है जो थर्ड इंडेक्स पे खत्म हो जाए। हाँ लेकिन अगर मैं कहता हूं कि भाई इस 30 को एक प्रोग्राम आगे फोर्थ इंडेक्स पे भी चला रहा है और फिर फिफ्थ पे भी कर रहा है, फिर सिक्स पे भी कर रहा है, तो बच्चों आप बोलोगे ये इनएफिशिएंट प्रोग्राम है। इनएफिशिएंट प्रोग्राम में वो कंपेयर होने के बाद आगे चलता रहेगा, एफिशिएंट प्रोग्राम में कंपेयर होने के बाद खत्म हो जाएगा। हम लोग ये जो तुम वैल्यू कंपेयर कर रहे हो, दो वैल्यू को, आप अपनी वैल्यू को इस एरे से जो कंपेयर कर रहे हो, इसके लिए प्रोग्रामिंग लाइन क्या लिखेंगे, इफ वैल्यू नाम का वेरिएबल क्या आएगा, वैल्यू इक्वल्स टू, एरे का नाम क्या रखोगे आप लोग, ये क्या रखा आपने, लिस्ट। हाँ लिस्ट के अंदर हर ब्रैकेट, हर इंडेक्स को एक्सेस करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हो आप लोग, और स्क्वायर ब्रैकेट में आप लिख सकते हो क्या, इंडेक्स। क्या लिख सकते हो, इंडेक्स। इंडेक्स पहली मर्तबा क्या होगा, वन, तो डेटा कहाँ जाएगा, पहले इंडेक्स पे। इंडेक्स दूसरी मर्तबा क्या होगा, टू, तो डेटा कहाँ कंपेयर होगा, दूसरे इंडेक्स पे। इंडेक्स सेकंड मर्तबा क्या होगा, थ्री, डेटा कंपेयर होगा तीसरे इंडेक्स पे। ये वाली बात समझ आई है, दोबारा समझाऊं, आ गई है लड़कों आपको, नहीं आई, नहीं आई, आ गई है, नहीं नहीं आई ना, जरा देखें बोलो बच्चों, जरा वैल्यू के अंदर मैं एक इनपुट लेता हूँ 30, क्या ले लिया बेटा 30, मुझे बताओ लिस्ट के इंडेक्स 1 पे क्या पड़ा हुआ है, जल्दी बोलो क्या पड़ा हुआ है, 10। तो आपने बेटा 30 को कंपेयर करा 10 से, योर कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, सही है, फ्लैग आपका क्या रहा, फॉल्स। अरे सेकंड मर्तबा इंडेक्स क्या हो जाएगा, 2, जब मैं 2 पे जाऊंगा क्या मिलेगा मुझे, 20, 30 को कंपेयर करा 20 से, 30 को कंपेयर करा 20 से, बराबर नहीं आया, क्या रिटर्न हुआ, फॉल्स। फिर आगे चले बेटा, इंडेक्स अब हो गया 3, इंडेक्स अब क्या हो गया बच्चों, 3, 3 इंडेक्स पे गया, मिल गया मुझे 30, यानी कि 30 = 30 मिल गया बच्चों, इस तरीके से चलेगा। यानी कि उसने पहले इंडेक्स पे देखा 10, 30 को 10 से मैच करा, नहीं हुआ, फिर दूसरे इंडेक्स पे गया, 30 को 20 से कंपेयर करा, नहीं हुआ, फिर तीसरे पे गया, 30 को 30 से गया और मिल गया। क्लियर है बच्चों, कोई मसला तो नहीं है। अब मैं इसका कोड लिखवाऊं, आई बच्चों एक बात और बता दूं, लीनियर सर्च, लीनियर सर्च या तो वाइल से हो सकता है, या वाइल लूप से कर सकते हो, या लीनियर सर्च को आप रिपीट अंटिल से कर सकते हो। बच्चों लीनियर सर्च फॉर लूप से नहीं हो सकता, लीनियर सर्च फॉर लूप से नहीं हो सकता। कोई बता सकता है लीनियर सर्च फॉर लूप से क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो चलता रहेगा, क्योंकि वो मिलने के बाद वैल्यू मैच करने के बाद भी अगले इंडेक्स पे जाएगा, दिस इज इनएफिशिएंट ना, लीनियर होगा मतलब वो गलत है ना, मिलने के बाद आगे थोड़ी जाना चाहिए। अच्छा इसका मतलब क्या है कि जब 30 तुम्हें थर्ड इंडेक्स पे मिल जाएगा तो तुम आगे जाके सर्चिंग नहीं कराओगे, और फॉर टू नेक्स्ट लूप तो हर इंडेक्स पे जाके सर्च कराएगा ना। समझ आई बात, पहले मैं इनएफिशिएंट कोड लिखूंगा फॉर से, फिर मैं आगे आपको उसको करेक्ट करके दिखाऊंगा। आओ मैं पहले आपको गलत कोड लिख के देता हूँ फॉर से। हाँ फॉर क्यों गलत होगा बच्चे बताओ, क्योंकि फॉर हर इंडेक्स पे जाएगा और मैच करने के बाद रुकेगा नहीं, फॉर कहता है मैं तो नहीं रुकूंगा, मैं तो लास्ट तक जाऊंगा। तो आइए मैं आपको इनएफिशिएंट कोड लिखवा रहा हूँ, इनएफिशिएंट फॉर लूप लीनियर सर्च। ठीक है बच्चों, बेटा पहली मर्तबा मैंने आपको एक एरे दे दी। अच्छा एरे को डिक्लेयर नहीं करवा रहा, क्यों नहीं करवा रहा, अच्छा एरे को डिक्लेयर नहीं करवा रहा क्यों, अच्छा एरे को डिक्लेयर नहीं करवा रहा क्यों, तुम बताओ एरे को डिक्लेयर, क्योंकि एरे ऑलरेडी बना हुआ है ना, हम एरे बना थोड़ी रहे,
मतलब मैं एरे भी बनाऊंगा फिर वैल्यू भी लूंगा? नहीं ना, एक चीज ऑलरेडी स्टोर्ड होगी ना बच्चों, जब एरे ऑलरेडी स्टोर्ड है तो उसमें वैल्यू भी स्टोर्ड होगी। देखो एरे ऑलरेडी स्टोर्ड है उसमें वैल्यू भी स्टोर्ड है। तो आइए मैं आपको एरे के अंदर वैल्यू स्टोर्ड भी लिख के देता हूं। जो लाइन नंबर वन में एरे का नाम मैंने रखा है लिस्ट, क्या रखा हुआ है बेटा लिस्ट। लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स रखते हैं बच्चों, आओ एलिमेंट्स क्या रखे जरा बताओ। पहला एलिमेंट रख दिया 10, दूसरा 20, तीसरा 30, चौथा 40, ये हम खुद रख रहे हैं। फिर 50, 60, 70, कितने इंडेक्सेस हो गए बच्चों? इंडेक्स कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 10 तक कर देते हैं ताकि आपको मसला ना हो। 70, 80, 90, 100 हो गए 10 इंडेक्स ना, सही है बच्चों? इंडेक्सेस लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा इंडेक्सेस। हाँ नहीं ना, एरे में एरे को तो दिखाओगे, एरे के एलिमेंट दिखाओगे तो ही तो सर्चिंग होगी ना, आपको ये लिखने की जरूरत है, सही है? इंडेक्सेस ना लिखो तो कोई मसला नहीं, सही है? कोडिंग में आपको ये लिखने की जरूरत है ना भाई, आप उसको बताओगे कि ये मेरी एरे है, ठीक है? या एग्जामिनर ने अगर बोल दिया कि आप लीनियर सर्च का कोड लिखो जिसमें एरे बनी हुई है और एरे का नाम लिस्ट है, तो फिर तुम नहीं लिखोगे, लेकिन मैं तो आपको सब बताऊंगा ना कि हाँ भाई ऐसे होता है काम, ठीक है? चलो अरे मैं फॉर से कर रहा हूँ, फॉर वाला सही होगा गलत होगा? गलत होगा। क्यों गलत होगा? कि अगर 50 मिल भी जाएगा तो वो बेटा छठे इंडेक्स पे भी जाएगा, सातवें पे भी जाएगा, आठवें पे भी जाएगा, नवे पे भी जाएगा और दस पे भी जाएगा। मैं आपको ये लिख रहा हूँ ताकि आपका बिल्कुल दिमाग में कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल सही रहे। अब मैं बोलूंगा कि भाई यूजर से इनपुट ले लो, और इनपुट ले लो एक वेरिएबल के अंदर, और वेरिएबल का नाम ले लो वैल्यू, ठीक है? अब मैं फॉर का लूप लगाता हूँ जो कि गलत है, लेकिन फिर भी मैं आपको इनएफिशिएंट कोड लिखवाता हूँ। फॉर इंडेक्स, बच्चों मुझे बताओ मेरी एरे का, तुम बताना मेरी एरे का इंडेक्स नंबर वन क्या है? जाहिल के बच्चे ये 10 इंडेक्स है। अच्छा वन है ना, इंडेक्स वन है ना, 10 क्या है? उस वन इंडेक्स का एलिमेंट है। हाँ मैंने इंडेक्स नंबर पूछा था, तुमने उस इंडेक्स पे वैल्यू बता दी, ठीक है? तो मैंने कहा वन हो गया। वन से लेके कहां तक बच्चों तुम बताओ? अशर लास्ट इंडेक्स क्या है बेटा? 10। तो बेसिकली मैंने वन से लेके कहां तक कर लिया? 10। सही लूप चल रहा है। नीचे क्या लिखूंगा मैं बताओ? नेक्स्ट काउंट लिखूंगा या इंडेक्स लिखूंगा? इंडेक्स, जो ऊपर वेरिएबल होता है वही आता है ना, यहाँ वेरिएबल क्या है? इंडेक्स। तो नीचे भी क्या आएगा? इंडेक्स। ऊपर तुम सी लिखते तो यहाँ भी सी, ऊपर तुम जो लिखते वही नीचे आता ना, ये तो सब पुरानी बातें हो गई ना लूप की, ठीक है? नहीं नहीं समझाने के लिए करो। इंडेक्स नंबर वन पे चेक करेगा, फिर टू पे चेक करेगा एलिमेंट को, फिर थ्री पे, फिर फोर पे, फिर फाइव पे, फिर सिक्स पे, फिर सेवन पे, फिर एट पे, फिर नाइनटी पे, नाइन पे, फिर टेन पे। बच्चों हमें ये बात पता है कि ये गलत है, को क्यों गलत है अशर? क्योंकि रिपीट करेगा कंडीशन मीट होने के बाद भी ये अगले एलिमेंट पे जाएगा, ठीक है? सही। अब जरा देखो, अब मैं यहाँ बोलूंगा एफ, बच्चों वैल्यू बताओ, मेरा वेरिएबल किसमें स्टोर है, वैल्यू किसमें स्टोर है बेटा? वैल्यू में, वैल्यू बराबर आ जाए, एरे का नाम क्या रखा है तुमने? लिस्ट। एरे का नाम क्या रखा है? लिस्ट। लिस्ट के स्क्वायर ब्रैकेट में इस वेरिएबल का नाम क्या है बच्चों? इंडेक्स। क्या है बच्चों? इंडेक्स। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या? इंडेक्स। सही है। पहली मरतबा इंडेक्स क्या होगा? जवाब देंगे मुझे, पहली मरतबा इंडेक्स क्या होगा? पहली मरतबा इंडेक्स क्या होगा? वन। तो मैं कौन से एलिमेंट पे जाके सर्च करूंगा? वन पे। फिर इंडेक्स क्या हो जाएगा? टू। कहां पे सर्च करूंगा? टू पे। फिर क्या हो जाएगा? थ्री। कहां सर्च करूंगा? थ्री पे। फिर क्या हो जाएगा? फोर। फोर पे, फाइव पे, सिक्स पे, सेवन पे, एट पे, नाइन पे और टेन। ये तो रुक ही नहीं रहा, नहीं रुकेगा ना? क्यों नहीं रुक रहा? अच्छा मैं क्यों क्या फॉर लूप है, लंबी कर रहा है, क्योंकि क्या है बेटा? फॉर। और फॉर लूप कहता है कि इंडेक्स वन से लेके मैं टेन तक करूंगा तभी छोड़ूंगा, वरना मैं कुछ भी कर लो नहीं छोड़ूंगा। सही, कुछ भी कर लो वो बोलता है मैं नहीं छोड़ूंगा। अब मैं एक फ्लैग नाम का वेरिएबल, पहले तो मैं ये लिख दूं, इफ वैल्यू इक्वल्स टू, एरे का नाम क्या है बच्चों बताएंगे मुझे? लिस्ट के स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? इंडेक्स। बच्चों इंडेक्स पहले क्या होगा? वन, वन पे, फिर टू, फिर टू पे, फिर थ्री, फिर थ्री पे, यही होगा। अच्छा आपने बोला, अब जरा देखना, आपने बोला कि सर अगर ये दोनों वैल्यू मीट कर जाए ना, देन आप एक वेरिएबल ले लें फ्लैग नाम का, उस फ्लैग के अंदर करवा दें ट्रू,
मैंने कहा ठीक है भाई, मैं फ्लैग में क्या करवा देता हूँ, ट्रू करवा देता हूँ। और आपने कहा कि सर लिस्ट से ऊपर फ्लैग नाम के वेरिएबल को आप इनिशियलाइज कर दें फॉल्स से, ठीक है ना बच्चों, ये बात समझ आई है। हमने फ्लैग को यहां पर बोल दिया फॉल्स, अगर ये कंडीशन मीट कर जाए तो फ्लैग क्या हो जाएगा मेरा, ट्रू हो जाएगा। अगर ये कंडीशन मीट कर जाए तो फ्लैग क्या हो जाएगा, ट्रू। और बच्चों आपने बोला कि सर आप एंड एंड इफ भी करा दो, ठीक है। अब देखना ये प्रोग्राम वर्किंग कर रहा है प्रॉपरली या नहीं कर रहा है। बेटा वैल्यू के अंदर यूजर ने दे दी बेटा 50, वैल्यू में फर्स्ट मरतबा यूजर ने क्या वैल्यू दे दी बेटा 50। 50 एक वैल्यू है जो इंडेक्स वन पे सर्च करवाते हैं। इंडेक्स वन पे सर्च होगा ट्रू या फॉल्स, बोलो ट्रू या फॉल्स बेटा। फिर 50 को दोबारा सर्च करवाएंगे हम इंडेक्स नंबर टू पे, जब 50 दोबारा सर्च होगी इंडेक्स नंबर टू पे क्या आएगा, फॉल्स। फिर इंडेक्स नंबर थ्री पे क्या आएगा, फॉल्स। इंडेक्स नंबर फोर पे फॉल्स, इंडेक्स नंबर फाइव पे ट्रू हो गया। ट्रू हो गया बच्चों, आपने कहा कि सर ये फाइव इंडेक्स पे मिल गई है, ट्रू हो गया। लेकिन और गलो बोलेगा ट्रू हो या फॉल्स हो, मैं तो अपना इंडेक्स यहां तक लेके जाऊंगा 10 तक, वो 6 पे भी जाएगा, 7 पे भी जाएगा, 8 पे भी जाएगा, 9 पे भी जाएगा और 10 पे भी जाएगा। फॉर नहीं होगा ना, फॉर का लूप तो अपने अंदर ही घुमाते रहेगा ना, वो तो बाहर है ना, ट्रू ही रहेगा फ्लैग टू। जब 10th इंडेक्स तक पहुंचेगा तब भी फ्लैग टू रहेगा ना, क्यों रहेगा, क्योंकि लूप के अंदर है। एक दफा जब ट्रू हो गया तो इस लूप के अंदर घूम रहा है ना, रीप लूप के बाहर थोड़ी घूम रहा, सही है। फॉल्स लेके आया, कंडीशन मीट कर गई तो क्या हो गया बच्चों, ट्रू हो गया, बट वो हर अल्टरेशन पे जा रहा है। तो मुझे बताओ मैं रीजन क्या लिखूं, व्हाई इट इज इनएफिशिएंट, अंग्रेजी बताओ, बिकॉज इट डज नॉट स्टॉप व्हेन इट फाइंड्स द वैल्यू, है ना, व्हेन इट फाइंड्स द वैल्यू इन एन एरे। बच्चों ये बात समझ आ गई है, कोई मसला तो नहीं है, सही। इनएफिशिएंट कोड को लिखने की जरूरत नहीं, आप तो एफिशिएंट लिखोगे ना। अब आप एफिशिएंट कोड किससे लिखोगे, या तो व्हाइल से या तो रिपीट्स। आइए चलो आगे। अब एफिशिएंट, अच्छा इनएफिशिएंट क्यों लिख रहा है, रीजन लिख ले बस। चल लीनियर सर्च का ही कोड हम लिख रहे हैं रिपीट से और फाइल्स। बच्चों जरा रिपीट को देख लें जल्दी से भाई। रिपीट लूप के अंदर मैंने एक एरे नाम की वैल्यू रख दी, और वो एरे गेरी बेटा 5 वैल्यू के अंदर सर्च कराता हूँ, 1, 2, 3, 4 और 5 ये एरे है जिसमें जो मैं सर्च कराता हूँ। बच्चों मैंने इनपुट ले ली वैल्यू, अच्छा पहले फ्लैग को ट्रू कर दू, हाँ फ्लैग को फॉल्स करूंगा ना, फ्लैग क्या हुआ बच्चों, फॉल्स। फिर मैंने यहाँ पर बोला कि आप इनपुट दे दें, और इनपुट नाम के वेरिएबल का नाम हमने क्या रख दिया, वैल्यू, क्या रख दिया बच्चों, वैल्यू। अब आप लूप लगा रहे हैं, आपने कहा कि सर रिपीट नाम का एक लूप लगा लो, रिपीट, और नीचे मैं क्या लगाऊंगा, अनटिल। कंडीशन सेटिस्फाइड पे लूप स्टॉप होता है, क्या ये बात पता है आपको, कंडीशन सेटिस्फाइड पे लूप स्टॉप होता है रिपीट अनटिल का, कंडीशन सेटिस्फाइड पे लूप स्टॉप होगा। कंडीशन सेटिस्फाइड क्या होगी, आओ जरा देखते बच्चों। रिपीट अनटिल का लूप दो जगह पे स्टॉप होगा, सबसे काम किया बता रहा हूँ आज के पूरे लेक्चर भाई, दो जगह पे स्टॉप होगा। पहली मरतबा इंडेक्स 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5, यानी कि या तो इंडेक्स 5 के 5 तक चले ना। तो आपने बोला कि सर रिपीट अनटिल का लूप या तो इंडेक्स की वैल्यू 5 से बड़ी हो जाए, है ना, यानी कि 5 के बाद जो भी हो खत्म हो जाए, या आपके फ्लैग में कंडीशन क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। आपके फ्लैग में कंडीशन क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। तो आपको मैंने दो कंडीशन दे दी, क्या दो कंडीशन, अगर फॉल्स हुआ तो लास्ट इंडेक्स तक चलेगा, और अगर ट्रू हो गया तो फ्लैग क्या हो जाएगा, ट्रू, और लूप क्या हो जाएगा, स्टॉप, क्या हो जाएगा, स्टॉप।
बच्चों दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होने पे, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड होने पे, ये वर्ड सही है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड होने पे आपका लूप खत्म हो जाना चाहिए ना। ये जो दोनों में से वर्ड होता है, आइदर, आइदर के लिए एंड लगेगा या और लगेगा, और तो दोनों के बीच में क्या लगा दिया, और, यानी कि कंडीशन वन भी ट्रू हो सकती है, यानी कि नहीं मिला। बच्चों मैं आपसे अगर पूछूं कंडीशन वन कब रन होगी, जब तुम्हारा फाउंड नहीं होगा, है ना भाई, लास्ट इंडेक्स तक जब ही जाओगे ना, जब फाउंड नहीं हुआ। और कंडीशन ट्रू कब होगी बच्चों, जब फाउंड हो जाएगा, जब क्या हो जाएगा, फाउंड हो जाएगा। रिपीट अंटिल में कोई मसला तो नहीं है, आओ अब अंदर क्या लिखना है ये तो बता दो मुझे। इफ वैल्यू, अगर तुम्हारी वैल्यू, सर्च कहां से आ गया, एरे का नाम क्या है फ्लैग बच्चों तुम बताओ, एरे का नाम क्या रखा है मैंने, एरे का नाम बोलो, फ्लैग। तुम्हारे पास एरे का नाम क्या है बेटा, लिस्ट है ना, शाबाश। तुम्हारी इस एरे के अंदर मैंने क्या रखा है, लिस्ट। लिस्ट के आपने इंडेक्स को वन करा, नहीं करा, नहीं। रिपीट अंटिल में काउंट को वन भी तो करना होता है ना भाई बच्चों। तो अगर मैं यहां पर लिख देता हूँ इंडेक्स, लड़कों जरा सोचना, अगर मैं यहाँ पर काउंट को क्या कर देता हूँ बेटा, इंडेक्स, तो इंडेक्स को रिपीट अंटिल में पहली मरतबा वन से इनिशियलाइज करना होता है या नहीं करना होता, करना होता है। तो पहली मरतबा इंडेक्स को क्या इनिशियलाइज कर दिया आपने, वन। अब ये वही कंडीशन आ गई ना कि अगर वैल्यू मीट कर रही है, अगर वैल्यू मीट कर रही है बच्चों, देख रहे हो, अगर कंडीशन मीट कर रही है, देन फ्लैग में क्या होना चाहिए, तुम बोलो फ्लैग में क्या होना चाहिए, ट्रू। आ जाओ, देन फ्लैग में क्या कर दो बेटा, ट्रू कर दो, सही है। और बच्चों इसके एल्स के अंदर, एल्स में क्या होगा सोच के बताना मुझे भाई, एल्स में क्या होगा, इंडेक्स की वैल्यू खुद ही इंक्रीमेंट होगी या आप कराओगे, हम कराएंगे। तो ये जो इंडेक्स तुमने वन लिया है, तुमने वन इंडेक्स पे सर्च कराया, वन के बाद अगर कंडीशन मीट नहीं करी बच्चे, तो तुम क्या बोलोगे, वन के बाद इंडेक्स को क्या होगा, प्लस वन। बेटा फॉर टू नेक्स्ट लूप खुद ही इंक्रीमेंट करता है, बट वाइल डू एंड वाइल लूप और रिपीट अंटिल में आपको मैनुअली इंक्रीमेंट कराना होगा कि तुम इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स प्लस वन कर दो, इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स प्लस वन कर दो। यानी कि अगर कंडीशन मीट नहीं कर रही है तो तुम अगले इंडेक्स पे चले जाओ। लड़कों क्लियर है, कोई मसला है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, मुझे जवाब देंगे। दो पार्ट के अंदर अपने कोड को डिवाइड करो, देखना इधर देखो, ये देखो बच्चों, इस पार्ट को मैंने बोल दिया ए पार्ट और इसको मैंने कह दिया बी पार्ट, ठीक है ना, ए पार्ट या बी पार्ट। बच्चों वैल्यू के अंदर कोड रन करके आपको जरा थोड़ा सा बता रहा हूँ, वैल्यू में तुमने कह दिया 50, क्या बोल दिया बेटा, 50, बोर्ड पर देखेंगे जवाब देंगे मुझे, ठीक है। मैंने कहा 50 इक्वल टू लिस्ट ऑफ एरे वन, एरे इंडेक्स के अंदर ट्रू आएगा फॉल्स आएगा, क्यों, कंडीशन मीट कहाँ हुई, बी पार्ट रन होगा ना, कौन सा पार्ट रन होगा, बी पार्ट। आप ए और बी पार्ट की बात करें, नीचे वाला पार्ट रन होगा, ये वाला पार्ट रन तो नहीं होगा ना, बी वाला पार्ट रन होगा ना बच्चों, सही है। चल तो पहली मरतबा जब आपने 50 रखी है वैल्यू में, तो 50 के लिए बी पार्ट रन हुआ, इंडेक्स कितना हो गया, टू। हाँ टू पे जब जाके उसने चेक करा तो क्या टू पे ए पार्ट रन होगा या बी पार्ट रन होगा, बी पार्ट। फिर दोबारा किया हम थ्री पे, बच्चों थ्री पे ए पार्ट या बी पार्ट, ए पार्ट या बी पार्ट, बी पार्ट। ए पार्ट क्यों रन नहीं हो रहा, रही कंडीशन ही मीट नहीं करी ना भाई, एफ की कंडीशन मीट नहीं करी बच्चों। फिर फोर पे गया, फोर पे ए पार्ट बी पार्ट, बी पार्ट, यानी कि इंडेक्स अगले पे चले गया। जब वो फाइव पे गया तो फिर ए पार्ट, और जैसी ए पार्ट रन हुआ फ्लैग हो गया ट्रू, जैसी फ्लैग ट्रू हुआ लूप क्या हो जाएगा, स्टॉप, लूप क्या हो जाएगा, स्टॉप। क्लियर है। अब एक और एग्जांपल दूंगा, अगर मैं वैल्यू में रखता हूँ 90, क्या रखता हूँ 90, आओ जरा वैल्यू में यूजर ने इनपुट दे दिया 90 बच्चों, ठीक है, आओ क्या 90 इस लिस्ट के इंडेक्स वन में है, नो, ए पार्ट रन हुआ, नहीं है भाई, बी में चले गया, ठीक है। फिर 90 को सर्च कराया इंडेक्स नंबर टू में, रन होगा, नहीं होगा, अगले इंडेक्स में मूव कर गया। फिर बेटा थ्री इंडेक्स पे, अगले इंडेक्स पे मूव कर गया, अगले इंडेक्स के लिए इंडेक्स प्लस वन हो रहा है, फिर चौथे पे, फिर पांचवे पे। बच्चों जब जैसे इंडेक्स पांच से बड़ा होगा, जैसे इंडेक्स पांच से बड़ा होगा, तो रिपीट अंटिल बोलेगा कि जैसे इंडेक्स पांच से बड़ा हो गया, यानी कि छह हो गया ना, छह बड़ा हो गया पांच से, तो लूप क्या हो जाएगा, स्टॉप, लूप क्या हो जाएगा, कोई मसला तो नहीं है रिपीट अंटिल।
पक्की बात है? हाँ मेरा सवाल है, उसको मुझे जवाब देना। बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर पार्ट ए को मैं बोलूं एक्सप्लेन करने को, तो पार्ट ए में हो क्या रहा है? वैल्यू कंपेयर हो रही है एरे के सारे एलिमेंट्स, ये सही है? वैल्यू जो भी तुम इनपुट ले रहे हो वो कंपेयर हो रही है पहले इंडेक्स नंबर 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5। और अगर वो 3 पे मिल जाएगी, अगर वो 3 पे मिल जाएगी तो फ्लैग क्या हो जाएगा? ट्रू। और जैसे ही फ्लैग ट्रू होगा तो लूप क्या हो जाएगा? लूप क्या हो जाएगा? स्टॉप। और अगर नहीं मिला तो जैसे इंडेक्स 6 हो जाएगी, जैसे इंडेक्स 6 होगा तो लूप क्या हो जाएगा? स्टॉप। क्या हो जाएगा? सेम सवाल मैं 5 से करके दिखाता हूँ। बच्चों वाइल में सिर्फ सोचना, वाइल में इंडेक्स इक्वल टू 1 लिखूं या नहीं लिखूं? बच्चों वाइल में इंडेक्स इक्वल टू 1 लिखूं नहीं लिखूं? लिखूंगा, क्योंकि काउंट इक्वल टू 1 आता है ना, और काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 भी आएगा, क्योंकि वाइल लूप को मैनुअली इंक्रीमेंट कराना होता है। चलो वाइल लूप तो आपको बड़ा आसानी से समझ आ जाएगा। बच्चों मैंने कहा, आपने बोला सर फ्लैग के अंदर यहाँ भी फॉल्स रखे है ना, जब तक मिल नहीं रहा फ्लैग फॉल्स होगा। और बच्चों आपने बोल दिया सर इंडेक्स को आप यहाँ पर कर दें, इंडेक्स इक्वल टू 1। फिर आपने यहां पर बोल दिया कि सर आप इनपुट ले लें एक वैल्यू नाम के वेरिएबल में, जो कि ये, सही है लड़कों? ठीक है ना। वाइल लूप बताओ, अरे वाइल लूप में क्या लिखता हूं? वाइल दो कंडीशन आती हैं, मैंने कहा भाई ये लो दो कंडीशन, और आगे आ गया टू। हेडर में कंडीशन आती है ना वाइल के, जिस बच्चे ने वाइल नहीं पढ़ा वो मेरी वाइल वाली रिकॉर्डिंग देखे, सही है? व्हाइल लूप के अंदर हेडर में कंडीशन आती है, रिपीट अंटिल में, फुटर में कंडीशन आती है। व्हाइल लूप जब तक रन होता है जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड रहे, हाँ, और व्हाइल लूप जब स्टॉप होगा जब कंडीशन अनसेटिस्फाइड हो जाएगी, अनसेटिस्फाइड हो जाएगी। मैं यहां लिख देता हूँ, व्हाइल लूप कब स्टॉप होगा? जब कंडीशन अनसेटिस्फाइड, बोल रहा हूँ फॉल्स इसलिए नहीं कह रहा कि वो फ्लैग भी, जब कंडीशन अनसेटिस्फाइड होगी। सही है? तो कंडीशन सेटिस्फाइड रखनी है, मैं बोलूंगा भाई यानी कि लूप चलाना है तो कंडीशन सेटिस्फाइड रखनी है ना, तो मैंने कहा इंडेक्स बच्चों छोटा रहे या बराबर रहे। अरे कितने इंडेक्स है सवाल में? पहला इंडेक्स पे 10 है, दूसरे पे ये है, तीसरे पे 30 है, चौथे पे 40 है, और यहाँ पर क्या है बेटा 50। इंडेक्स छोटा हो या बराबर हो 5 के, जब तक लूप चलता रहेगा, और जैसे ही 5 से बड़ा होगा अनसेटिस्फाइड होगा तो लूप क्या हो जाएगा? स्टॉप। और इसके साथ 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 के लिए बोथ कंडीशन ट्रू के लिए आप क्या लगाते हो बच्चों? एंड या और? एंड या और? एंड। इसके साथ साथ तुम्हारा फ्लैग क्या रहे बेटा? फॉल्स रहे। अगर फ्लैग फॉल्स रहेगा तो इंडेक्स को सर्च कराना, और जैसे ही फ्लैग ट्रू हो जाएगा तो लूप क्या हो जाएगा? स्टॉप। जैसे ही फ्लैग ट्रू हो जाएगा लूप क्या हो जाएगा? स्टॉप। जैसे ही फ्लैग ट्रू हो जाएगा लूप क्या हो जाएगा? स्टॉप। तेरे को ये बात समझ आ रही है? चलो अरे बोर्ड पे देखो, यहाँ पर आ गया एंड वाइल, ठीक है? एंड वाइल तो लिखते ना, ये तुम्हारा लूप चल रहा है बेसिकली, ठीक हो गया लड़कों? अब जरा सुनते रहे भाई, मैं कंडीशन वही वाली लिखूंगा, इफ वाली, ये वाली, ये कॉपी करना है ना यहाँ पर, ये सब बात हो चुकी थी ना। चलिए बताओ, इनपुट वैल्यू नाम के वेरिएबल में तुम ले लिया, वैल्यू नाम का वेरिएबल अगर बराबर आ जाए, लड़के एरे का नाम बताओ, लिस्ट, लिस्ट के अंदर तुमने वेरिएबल कौन सा रखा है बेटा? इंडेक्स, स्क्वायर ब्रैकेट क्या आ गया? इंडेक्स। अगर ये दोनों बराबर आ जाए, अगर ये दोनों बराबर आ जाए, अशर तो क्या करूं आगे? देन फ्लैग को, देन फ्लैग को क्या करना है? ट्रू। और अगर ये अशर बराबर नहीं है तो एल्स में क्या करना है? फॉल्स। एल्स में फॉल्स करूं या खुद ही हुआ होगा? वो तो वही हुआ है ना बच्चों, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो फ्लैग ट्रू हो जाएगा, एल्स में क्या आएगा जल्दी बताओ? एल्स में इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1 ना, एज इट इज आप बोलोगे सर अगले इंडेक्स पे चले जाए, और अगले इंडेक्स के लिए इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1, इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1, और यहां पर क्या हो गया? एंड।
क्या ये बात सबको समझ आ रही है लड़के? व्हाइल लूप समझ आए ज्यादा अच्छा या रिपीट समझ आए? रिपीट। अच्छा रिपीट में क्या है, जैसी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो लूप खत्म हो जाएगा। यहाँ पर उल्टा है, जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड है लूप चल रहा है। हाँ व्हाइल डू एंड व्हाइल को जरा एक एग्जांपल से करा दूं, अनसेटिस्फाइड पर लूप स्टॉप होगा। हाँ अगर मैं तुम्हें कहता हूं यूजर ने वैल्यू इनपुट दे दी, व्हाइल डू एंड व्हाइल में यूजर ने वैल्यू इनपुट दे दी क्या बच्चों 30। हाँ तो 30 को सर्च कराए पहले इंडेक्स पे, 30 सर्च होगा पहले इंडेक्स पे कंडीशन फॉल्स आएगी, 30 सर्च होगा दूसरे इंडेक्स पे कंडीशन फॉल्स रहेगी बेटा, 30 सर्च होगा, अरे 30 सर्च होगा तीसरे इंडेक्स पे, 30 सर्च होगा तीसरे इंडेक्स पे, 30 सर्च होगा तीसरे इंडेक्स पे। अब बताओ आगे क्या होगा, 30 सर्च होगा तीसरे इंडेक्स पे, बोलो 30 सर्च होगा तीसरे इंडेक्स पे क्या होगा, ट्रू या फॉल्स बोलो क्या होगा? ट्रू। जैसे ही फ्लैग ट्रू हो गया बच्चों, मिल गया ना फ्लैग ट्रू होने पे ये कंडीशन क्या हो गई, अनसेटिस्फाइड। हाँ और अनसेटिस्फाइड होने पे व्हाइल लूप क्या हो जाएगा, स्टॉप। क्या हो जाएगा, स्टॉप। चाहिए बच्चों दोबारा सुनो, 30 जैसी मिल गया तीसरे इंडेक्स पे तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। ट्रू का मतलब बताओ ये कंडीशन सेटिस्फाइड रही अनसेटिस्फाइड रही, अनसेटिस्फाइड। अनसेटिस्फाइड पे लूप क्या हो जाएगा, स्टॉप। क्या हो जाएगा, स्टॉप। तो बच्चों ये दोनों जो लूप हैं ये बिल्कुल बेस्ट हैं, दोनों एफिशिएंट हैं, आप इन दोनों को कर सकते हो, कॉपी करें इसको। कोई सवाल है तो पूछ लो। ये वाली हेडर वाली, हाँ ये वाली, ये ना ये वाली ना, ये वाली ना, समझाओ। देखो पहली मरतबा इंडेक्स क्या होगा बच्चों, वन। हाँ तो बोलेगा 1-5 से छोटा है कंडीशन ट्रू, ट्रू पे लूप चलता है यहाँ पर। हाँ वाई टू एंड वाई ट्रू पे चलता है, नीचे आया उसने बोला क्या वैल्यू एरे के एलिमेंट के बराबर है फॉल्स, तो ये रन नहीं होगा अगले इंडेक्स पे चलेगी, अगले इंडेक्स कितना हो गया 2। तो 12 पर क्या 2-5 से छोटा है बच्चों, है ना 2-5 से छोटा है, यस यानी कि रन होगा। सही है, अब सुनना इधर, और फ्लैग आपका फॉल्स ही चल रहा है, ये लूप कब खत्म होगा सोच के बताओ। अरे ये लूप कब खत्म होगा, जब फ्लैग क्या हो जाएगा ट्रू, या इंडेक्स 5 से बड़ा या बड़ा निकल जाएगा। सही है, यहाँ पर जैसे इंडेक्स 6 हो जाएगा तब खत्म होगा, या फ्लैग फॉल्स के बजाय ट्रू हो जाएगा, जब फ्लैग फॉल्स के बजाय ट्रू हो जाएगा कंडीशन अनसेटिस्फाइड हो जाएगी, अनसेटिस्फाइड का मतलब लूप क्या हो जाएगा, स्टॉप। क्या हो जाएगा, स्टॉप। सही भाई, आज की क्लास को मैं खत्म कर रहा हूँ। आज की क्लास के अंदर मैंने आपको लीनियर सर्च कराया, लीनियर सर्च का मतलब क्या था, टाइम कंज्यूमिंग था, वन बाय वन सर्चिंग कराने की सारी एरे पे, ठीक है सही, वन बाय वन सर्चिंग कराने की सारी एरे पे। उसके बाद लीनियर सर्च के डिसएडवांटेज बताओ लड़के, बताओ ना, हर इंडेक्स पे जाएगा तो टाइम लगेगा ना, तो इसको इसके लिए एफिशिएंट इंडेक्स एफिशिएंट सर्चिंग कौन सी थी, बायनरी सर्च। कौन सी थी, बायनरी सर्च, जिसमें वो मिडिल टर्म से कंपेयर करके राइट साइड निकल। बेटा मुझे बताओ कौन सा लूप है जिसमें अगर तुम कोड लिखोगे तो अनएफिशिएंट होगा, फॉर, और एफिशिएंट कौन से बेटा, व्हाइल और रिपीट। सही है, थैंक यू वेरी मच सर।